दोस्तों यहाँ दिवाली के मौके पर आई फिल्म सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 दोनों ही फिल्में जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार गई है और दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आता हुआ दिख गया है सामने। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ सिंघम अगेन जो कि आगे निकलती हुई दिख रही है और फिल्म सिंघम अगेन का डे वन कलेक्शन जो कि जाता हुआ दिख रहा है 44 करोड़ तक, और दूसरी तरफ फिल्म भूलभुलैया 3 जो कि अपने डे वन कलेक्ट करती हुई दिख रही है 36 करोड़ का कलेक्शन। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ दोनों फिल्मों का कलेक्शन जो कि काफ़ी दमदार दिख रहा है, और इसी के साथ कार्तिक हो या फिर अजय देवगन जो कि अपनी हाईएस्ट ओपनिंग करते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों ये कलेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता था यदि ये दोनों ही फिल्में जो कि अलग अलग रिलीज़ होती, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही फिल्मों को देखने के कारण यहाँ पर फिल्म के कलेक्शन का बंटवारा तो हुआ ही है। नहीं तो आप मान सकते थे कि यहाँ फिल्म सिंघम अगेन जो कि 60 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती थी और भूलभुलैया 3 भी 40 पार जा सकती थी। और इसी के साथ ये तो कहा जा सकता है कि इन दोनों ही फिल्मों को सभी ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है और इन दोनों ही फिल्मों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आए हैं। तो अब ये फिल्म है जो कि आगे भी अच्छा खासा और काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने वाली है, और यहाँ आप उम्मीद ला सकते हैं कि पहले दिन से ज़्यादा फिल्म जो कि अपने दूसरे और तीसरे दिन कलेक्ट करने वाली है। तो ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि उस तो इस दिवाली के मौके पर आपने इन दोनों फिल्मों में से कोई फिल्म देखी है तो वो फिल्म कौन सी है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।